स्कूल्स निकाल चुके हैं, हम कंटिन्यू कैंप नहीं बच्चे करते हैं। इंटरेस्टिंग इंटरेस्ट रखते हैं। पहले तो देखो क्या होता है, उनको समझाना पड़ता है क्या हो? वो ब्रिज, सिंगल रो ब्रिज, ब्रह्मा ब्रिज, तो यहाँ पे हमने दो ब्रिज बनाए हुए हैं। आप एक देखो लैडर लॉन्च करके हमने सेफ्टी के लिए एक बार बता दीजिएगा इसको, आप कहाँ कहाँ तक आप इसको यूज करवाते हैं, मनाली या कहीं और? वहीं पे भी वो नाम ही है खतरों से खेलना, ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है जहाँ कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। आप अगर जंगल में रहोगे तो वहाँ पे जानवर भी मिलेंगे, पहाड़ भी खिसक सकते हैं, बर्फ़ के अवलांच भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। गाड़ियाँ भी सीखो वो भी काम आती है, आती है कि नहीं आती है? तो वही काम है कि जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काम आएंगी। चलो भाई जो जॉब में नहीं गई, एडवेंचर लाइफ में नहीं गई या कहीं पे भी नहीं गई, एटलीस्ट कल को उनके बच्चे करके आएंगे कि मम्मी हम जिप लाइन करके आए, पापा हम जिप लाइन करके आए, एटलीस्ट वो बोल सकते हैं हमने भी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अंकुर ग्रोवर और आप देखने लग गए हैं हरियाणा डेली पोस्ट। आज की जो वीडियो है बड़ी यूनिक वीडियो बनने वाली है, क्योंकि जिस स्कूल में हम आए हुए हैं वो जींद डिस्ट्रिक्ट का जो गांव है भोसला गांव है, SM पब्लिक स्कूल, इस स्कूल में हम पहुंचे हैं। और यहां पर है जो एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था जिसमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एडवेंचर लाइफ आप देख सकते हैं, एडवेंचर लाइफ जो मोमेंट है वो सिखाए जा रहे हैं बच्चों को। एडवेंचर लाइफ क्या होता है और एडवेंचर लाइफ को जीने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, एडवेंचर लाइफ कितनी ज़रूरी है आज के दौर में, और सब दौर में एडवेंचर लाइफ अच्छी होती है, सबका अपना अपना ड्रीम होता है एडवेंचर लाइफ को लेकर। तो हमारे साथ जो विकास राणा जी जो मैम है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं और उनसे बात करेंगे कि क्योंकि कई जो दर्शक हैं उनको पता ही नहीं है एडवेंचर लाइफ एक्चुअल में होती क्या है। तो मैम हमारे साथ हैं और पूरा स्टाफ है वो भी यहाँ पर मौजूद है, प्रिंसिपल भी है, और साइड में आप देख सकते हैं DJ का प्रोग्राम भी है बच्चों को, है जो मनोरंजन के लिए नाच गाने का जो प्रोग्राम होता है, एडवेंचर्स कैंप यहाँ पर लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका भावार्थ क्या है, एडवेंचर लाइफ। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अब कुछ दर्शकों को पता भी नहीं होता है कि एडवेंचर लाइफ होता क्या है, क्या एडवेंचर एक बार बताएंगे? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम विकास राणा है और मैं गांव सुदकंड खुर्द की बेटी हूँ और हरियाणा की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग खिलाड़ी हूँ। और जो ये कैंप आप देख रहे हैं एडवेंचर, ये हमारी कंपनी द्वारा लगवाया गया है जिसका नाम है ड्रीम लैंड एडवेंचर। तो हम उस पर हम बच्चों को एक्टिविटी देते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो हम बच्चों को देखो हमारे जो गांव के देहात के बच्चे हैं, जब मैं भी बाहर निकली थी तो आफ्टर 12th निकली थी, तो मैंने जो बाहर का माहौल देखा हम बहुत पीछे थे। तो मैंने अपनी लाइफ के 10 साल एडवेंचर में दिए हैं, मतलब स्कीइंग हो गया या माउंटेनियरिंग हो गया, तो उसको दिए हैं। उसी के बिहाफ पे जो मेरा एक्सपीरियंस था उसी पहल को लेकर मैंने गाँव से जुड़ने की कोशिश की है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, भाई मनाली नहीं भेज सकते या कश्मीर नहीं भेज सकते या लद्दाख कहीं भी नहीं भेज, तो वो सिर्फ यहीं पे कोई कम रेट में उनको सारी फैसिलिटी मिल जाए। देखो हम ये नहीं कहते कि हम पहाड़ों से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी वहाँ पे होती है 2,000-4,000 रुपये लगा के आप वो एक्टिविटी वहाँ करने जाते हो, आपका ट्रैवल बच रहा है, आपका फूड बच रहा है, आपका अकोमोडेशन बच रहा है, प्लस फीस चार्ज कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऋषिकेश की बात करें, जिप लाइन का 1,500-1,000 रुपये लेते हैं, जिप लाइन जो एक्टिविटी दिखाते रहो भाई, जो ऊपर से अभी एक बच्चे को छोड़ेंगे वो नीचे आएगा तो उस एक्टिविटी को स्लाइड करेगा। खासकर ये पहाड़ी एरियो में यूज होता है, जहाँ पे आने जाने की कनेक्टिविटी कम हो, तो रोप के द्वारा इजीली ऊपर नीचे जा सकते हैं, सामान भेज सकते हैं, इससे जोर भी नहीं पड़ता किसी को और काम आसानी से हो जाता है। मैं एक बात फिर पूछ रहा हूँ, जो कुछ हमारे दर्शक उनको पता नहीं होता एडवेंचर लाइफ होती क्या है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन एक बार कर दीजिए। एडवेंचर का तो नाम ही है खतरों से खेलना, ठीक है, मतलब उसकी स्टार्टिंग ही वहाँ से होती है जहाँ कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। आप अगर जंगल में रहोगे तो वहाँ पे जानवर भी मिलेंगे, पहाड़ भी खिसक सकते हैं, बर्फ़ के अवलांच भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप आइए, ये स्कूल है तो इन्होंने गाँव के माहौल को देखते हुए भी मतलब इतनी अच्छी सुविधा बोलते हैं, ये है आपका ब्रिज है इसमें, हाँ जी, हाँ जी, इसमें डिफरेंट टाइप के ब्रिज होते हैं, जैसे डबल रोप ब्रिज, सिंगल रोप ब्रिज, ब्रह्मा ब्रिज, तो यहाँ पे हमने दो ब्रिज बनाए हुए हैं। आप एक देख लो लैडर लॉन्च करके हमने सेफ्टी के लिए बच्चों को साइड से कि बच्चे गिरे ना और अच्छे से इजीली इसी कर सकते हैं। अगर इसी हाइट पे हम एक रस्सी पे चलने के लिए बोलेंगे तो बच्चा नहीं चलेगा, डरेगा, इससे क्या है कि बच्चों का फियर फैक्टर कम हो रहा है,
मतलब जो डर है, तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटीज के साथ ही चल रही है डबल रोप ब्रिज। डबल रोप ब्रिज मींस जैसे कभी आपने देखा फ्लड वगैरह आ गया, आर्मी ने एक किनारे से दूसरे किनारे लोगों को निकालने के लिए टेम्परेरी रेस्क्यू करते हैं जो, हाँ, तो उस टाइप से होता है ये है। इसका रोल क्या होता है? मैम ने बताया है कि रेस्क्यू करते हैं जैसे फ्लड का सीजन, ब्रिज टूट गया है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए टेम्परेरी आर्मी कभी ब्रिज बनाती है। जब केदारनाथ पे आया था तो उन्होंने ऐसे रोप लगाई थी और पब्लिक को निकाला था। तो ऐसी जब कुछ भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो टेम्परेरी चीज़ें तैयार की जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें कैसे तैयार होती हैं, इनका यूज़ कैसे होता है, हम नॉर्मल लोगों को जो गांव के हैं बाहर कभी गए नहीं तो उनको नहीं पता होता। लेकिन आज ये लोग कर रहे हैं, मतलब इनके होम ग्राउंड में ना इन्होंने खाने का पे करना है, ना आने जाने का पे करना, सिर्फ एक्टिविटी का थोड़ा सा पे करना है एक दिन का, तो उसमें वो सारी सुविधाएं इनको यहाँ पे मिल रही है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपको अफोर्ड है जो स्कूल ने किया इस चीज़ को, आपकी कंपनी है ये ना? जी हमारी कंपनी, हम एक दिन की 10 से 12 एक्टिविटी स्कूल्स में कराते हैं, जिसका 550 रुपीज़ मिनिमम चार्ज लेते हैं 10 से 12 एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी ज़्यादा है तो देखो चार्जेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैन पावर ज़्यादा लगती है, जितनी कम एक्टिविटी होगी उतने ही चार्जेस कम होते हैं। कितने इस टाइम इस स्कूल के अंदर जो आपकी टीम है उसमें कितने बंदे हैं? उसमें मेरे अभी 15 बंदे काम कर रहे हैं। वो मतलब पूरी तरह से सक्षम है इन एक्टिविटीज़ को कराने के लिए? उन्होंने प्रॉपर कोर्स किए हुए हैं, मैंने भी इसमें डिग्री ली हुई है, जो माउंटेनियरिंग के कोर्स करते हैं उसमें जो डिग्री लेता है उसके बाद ही वो चीज़ें कर सकता है। उससे चलते मैम उसके जो वो है वो बताइएगा एक बार हमें। अच्छा मैम आपने कब इसको स्टार्ट किया? मैंने 2011 में स्टार्ट किया। 11 में क्या, 2011 में आपने स्टार्ट किया? जी तब मैंने बेसिक कोर्स किया। आप सुदकन? हाँ मैं सुदकन खुर्द की खुर्द से हूँ। हमारा जो एरिया है कंजर्वेटिव सोच बोला जाता है, नहीं, एक बैकवर्ड एरिया बोला जाता है। नहीं देखो मैम ये धरातल पे सच्चाई है। नहीं मैं इस चीज को मानती हूँ, लेकिन आपने उस चीज को है जो तोड़ कर है उस, मैं पिछले 13 साल से बाहर हूँ, मतलब कंटिन्यू बाहर रह रही हूँ। कभी अभी देखो गेम को लेके मुझे आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ रहा है, मैं कभी फ्रांस हूँ, कभी जर्मनी हूँ, आइसलैंड हूँ, मैं कंटिन्यू बाहर रह रही हूँ। हाँ स्टार्टिंग में देखो जब तक आप सक्सेस नहीं होते, लोगों की नज़रों में मेडल नहीं लाते या कोई अच्छे अचीवमेंट पे नहीं पहुँचते, लोग बोलते हैं शुरुआत करना, वो थिंकिंग वो रखने की मुझे इस उसमें जाना है। एक ऐसे हम एरिया से आ रहे हैं जहाँ पर ऐसा माहौल भी नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं है कि किसी और ने किया हो। आपको कहाँ से है जो ये? एक्चुअली मेरी जो एजुकेशन है वो खरक गांव की है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, खरक करंगा बोलते हैं। मेरे फूफा जी आर्मी में थे तो मैं उनके साथ रहती थी, तो उनकी आर्मी वाला प्रभाव पड़ा। हाँ उनकी वजह से मैं बाहर गई। इसे क्या, ये रैपलिंग है, आपने कभी देखा है इंडियन आर्मी के कमांडो को वो रस्सी से नीचे आ जाते हैं? हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज फ्लाई, मतलब कई बार वो चोपर से भी सीधा रस्सी से जंप करते हैं। हमने कुछ ऐसी वीडियो देखो, सुसाइड कर रहा है किसी माले पर, तो ऊपर वाले माले से एकदम से वो आता है और उसको किक मार के अंदर करता है। एक्टिविटी को रैपल कहते हैं। रैपल जी, रैपलिंग भी बोलते हैं, रैपल भी बोलते हैं, जो इजी लगे, बट रैपल और रैपलिंग सेम ही होता है। अब ये मैम ये अब ये जो ये एक्टिविटी जिप लाइन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि इसमें मतलब पहाड़ों में कनेक्टिविटी कम होती है, आने जाने के साधन कम होते हैं, तो रोप द्वारा कोई ऐसी रास्ता बना दिया जाता है कि कनेक्टिविटी इजी हो जाए, तो उसी का एक जरिया है। कोई सामान भेजना है या ऊपर से नीचे आना है, अब कोई बिल्डिंग से सीधे नीचे तो नहीं आ सकता है, आ सकता है क्योंकि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ से वहाँ पक्का जा सकता है क्योंकि रास्ता तैयार हो गया है। इन फ्यूचर ये एडवेंचर लाइफ होगी, लेकिन मैं आपसे इसका कॉन्टेक्स्ट में इसका भावार्थ कि इन फ्यूचर बच्चों की जब ये अपने टीनेज में होंगे या इससे अगले फील्ड में जाएंगे, इन सब चीज़ों का उनको बेनिफिट मिलेगा? देखिए अगर यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। और रही बात एक लाइफ में भी एक रूल है, हमारी लाइफ के हिस्से हैं। हाँ कहीं ना कहीं हम लाइफ में बोलते हैं ना, गाड़ियाँ भी सीखें वो भी काम आती हैं। आती है कि नहीं आती है, तो वही काम है कि जो भी हम एक्टिविटी करा रहे हैं इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काम आएंगी। चलो भाई जो जॉब में नहीं गए, एडवेंचर लाइफ में नहीं गए या कहीं पे भी नहीं गए, एटलीस्ट कल को उनके बच्चे करके आएंगे कि मम्मी हम जिप लाइन करके आए, पापा हम जिप लाइन करके आए, एटलीस्ट वो बोल सकते हैं हमने भी किया है। एक उदाहरण उनके पास है, एक्सपीरियंस है। अब जब उसने किया ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा उसके लिए? तो जैसे मैं गेम में गई स्कीइंग में, तो मेरे स्टार्टिंग में पेरेंट्स को ही नहीं पता था स्कीइंग होता क्या है, हरियाणवी भाषा में बोलना पड़ता था, लकड़ी के दो फट्टे होते हैं पैर में पहन के बर्फ पे फिसलना।
स्केटिंग करवाते हैं या स्केटिंग भी करवाती हूँ रिसेंटली, राफ्टिंग वगैरह? नहीं राफ्टिंग हम अभी नहीं करवाते हैं, बट हम एडवेंचर कैंप देते हैं। बट जब मैं गांव में होती हूँ मैं मनाली का या कहीं और का मनाली राजस्थान में कोटपुतली के पास रेस का जगह पड़ती है, क्योंकि जहाँ पे बजट कम लगता है ना, देखो हमारे जो लोकल गांव है इनकम इतनी अच्छी नहीं है, मैक्सिमम किसानों के लोग हैं तो उतना एफर्ट नहीं कर सकते, तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उस चीज़ को लोगों तक नहीं पहुँचा पाएंगे। अब जैसे यहाँ से क्या बोलते हैं अपना सरिस्का पास पड़ता है कोटपुतली, क्योंकि एक हाईवे निकल गया है तो 4 घंटे का कोटपुतली तक का रास्ता है, तो इजी हो जाती है वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें, कि भाई ठीक है हम मनाली का एफर्ट नहीं कर सकते, आप सरिस्का चलो, आप कोटपुतली चलो, आप कोटपुतली के पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं, राजस्थान बहुत खूबसूरत है। देखो हमारे हरियाणा में तो वो चीज़ें नहीं है, अब माउंट आबू हो गया, आपकी काफ़ी चीज़ें हैं जो राजस्थान में बहुत अच्छी हैं। आप इस साइड आ जाइएगा। अच्छा मैम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या जो मैंने बोला था कैंपिंग के लिए या फिर राफ्टिंग के लिए, ऐसे आपके पास कॉन्टैक्ट आपके पास कॉल आते हैं कि हमें ये भी करना है लेकिन अभी आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई? नहीं ऐसा नहीं है, मैं पिछले 3 साल से इसमें काम कर रही हूँ और हम 60+ स्कूल्स निकाल चुके हैं, हम कंटिन्यू कैंप नहीं बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखो क्या होता है उनको समझाना पड़ता है क्या होता है, उसके बाद आती है फीस की बारी, वो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि एक दिन के इतने पैसे कैसे, अगर आप एक 50 रुपये भी एक एक्टिविटी के लगा के देखें ना तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारे लाइफ में काम भी आएगा, कोई अगर बच्चा पढ़ रहा है और उसे जो आर्मी में जाना है वहाँ पर बिल्कुल बहुत आसानी से जी रही है, आर्चरी करा रहे हैं, शूटिंग करा रहे हैं, ओलंपिक गेम है, किसी बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है क्योंकि जिसने आर्चरी नहीं देखी वो क्या चूज करेगा? सही बात, आज उसने देख ली शायद उसको अच्छा लगे, कभी फ्यूचर में दिमाग पलटे तो कर सकता है ओलंपिक, हमें तो एक अच्छा है कि हम एक रास्ता दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप, बिल्कुल सेवा भाव ही लगा लो आप, दोनों चीजें हैं। देखो अब मैं खिलाड़ी होने के नाते देखो अपने घर से कोई नहीं लगा, सही बात है जी, हमारा भी पेट के पापी पेट का सवाल है, सब अपना मेहनत, सही बात है जी, सही बात, तो हम भी इसमें मेहनत कर रहे हैं थोड़ा अपने लिए थोड़ा इनके लिए, नहीं तो हमें क्या जरूरत है यहाँ पे आके कराने की, हम भी ये सोचते हैं कि ये लोग भी सीख लेंगे, हमने जो काम स्टार्ट किया। कितने दिन हो गए मैम यहाँ पे? आज फर्स्ट डे सर, एक ही दिन का हुआ है ये, ठीक है, उसके बाद फिर आपके जो कंपनी होती है आपको कहीं अफोर्ड कर रखा होगा, फिर आप वहाँ पे अभी हमारा नेक्स्ट 21 का पिल्लूखेड़ा में है, पिल्लूखेड़ा में डन है, मतलब कैंप्स रहते हैं जिनको हमने पहले कैंप दिए हैं वो बार बार हमसे मांगते हैं, आज बच्चों का रिएक्ट ऐसा है कि 2-4 दिन चले, ये पहले ये था कि ये हम क्यों करें। अच्छा मैम कोई ऐसी को इंसिडेंस बना हो इनके माता पिता जो बच्चों के आए हैं कि ये हमारे बच्चों से क्या करवा रहे हैं आप? नहीं ऐसे कुछ ऐसे कोई कुछ नहीं है, कोई पूछने वाला आया हुआ? जब भी पेरेंट्स आए हैं वो बड़े खुश हुए हैं कि इस बार हमें लगा कि हमने जो पे किया है ना वो कहीं जायज किया है, मतलब कहीं पे मिसयूज नहीं किया गया उस पैसे का, बच्चों की जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है ना। हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों की बाहर निकल के आ रही हैं, अब कुछ बच्चे हैं वहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे एक इंस्ट्रक्टर बैठे हैं दोनों जगह पे, वहाँ पे उनको इतना कन्वेंस करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उसके बाद उनको फियरलेस करना पड़ता है, उनको डर निकालना पड़ता है। और आप देखेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगी, बच्चे के दोनों हाथ फ्री भी होंगे ना तब भी बच्चा 1 इंच नीचे नहीं आएगा, बच्चे कर जरूर रहे हैं लेकिन सारा कंट्रोल सारी सेफ्टी मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके हाथ स्पोर्ट्स है, वो फेथ है वो दे रहे हैं जी, बातों के जरिए उनके माइंड में ये चीज कर रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। देखिए बच्चे के जो चेहरे पे स्किन भी कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब डर नहीं है, कोई फियर नहीं है, फियर लेस ये बच्चा है जो स्लाइड करते हुए आया है, तो दोबारा से आ रहे हैं क्योंकि उनको आवाज ही नहीं जा रही थी। मैम इरशाद आ जाते हैं, तो म्यूजिक भी बज रहा था मैम, म्यूजिक का क्या है, म्यूजिक पे बात आते हैं, म्यूजिक जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है और ये पार्ट है, हजारों सालों से बना हुआ है, किसी भी चीज का माहौल बनाने के लिए सबसे पहले म्यूजिक आता है, घर में शादी हो बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन हो हम सेलिब्रेट म्यूजिक के साथ ही करते हैं। अब वहाँ पे हमने टेंट्स लगा रखे हैं, अब देखो ये नाइट स्टे तो नहीं कर रहे हैं,
पहाड़ों में भी नहीं जा रहे हैं, बट टेंट में कैसे रहते हैं, टेंट कैसे होते हैं, म्यूजिक के साथ जैसे कैंप फायर होता है, हम जब जंगलों में जाते हैं नाइट में करते हैं, वही एंजॉय इन्होंने यहाँ पे किया है, खाना भी यहीं पे खाया। लेकिन आप इनको कन्विंस कर सकते हो बच्चों को, आपको लगता है कि ये पहाड़ों में भी जाए, मनाली जाए, या जहाँ जहाँ आपने जो डेस्टिनेशन बताई है कन्विंस कर सकते हो, या बच्चे हो रहे हैं? बच्चे कन्विंस है, बच्चे तो तैयार है, बच्चे तो मतलब घर में जाके जबरदस्ती करे हमें जाना है, हमें ये दोबारा करना है। अच्छा, बीच में रोड़ा कौन बन रहा है? कहीं ना कहीं देखो इनकम फाइनेंशियली, बिल्कुल फाइनेंशियली है, क्योंकि सिनेरियो दो बन जाते हैं फाइनेंशियली। एक माता पिता को डर है कि हम कब दूर भेज रहे हैं, नहीं, वो दो चीजें देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, स्कूल का हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर यही एक्टिविटी बाहर होती ना तो 80% माँ बाप बोल देते हम बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, कुछ पैसों के लिए बोल देते, कुछ का कुछ और प्रॉब्लम रह जाता। सबसे बिग रीज़न क्या लग रहा है आपको? अवेयरनेस का, कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ क्या है, कितनी यूज़फुल है। अब माउंटेन की बात कर ले तो उसमें हमें तेंजिंग नोर्वे अवार्ड मिल रहा है, अगर बच्चे ने किसी ने लाइन चूज़ कर ली, अगर वो इस फील्ड में अच्छा करता है तो उससे मतलब मंथली 25,000 रुपये तेंजिंग नोर्वे के, 25 लाख रुपये कैश, तो मान लो लाइफ में और क्या चाहिए, दोनों चीज़ें तो आपको मिल रही है। अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल, उसमें कुछ कैसे कर पाएंगे हम इस अवेयरनेस को? छोटी सी पहल हमने की है, थोड़ी सी आप कर दीजिए। हाँ, हम कर ही रहे हैं। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एडवेंचर लाइफ होनी बहुत ज़रूरी है। बिग लिव लाइफ बिग साइज विद एडवेंचर लाइफ। थोड़ा सा वहाँ का और दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वैसे बच्चों के अंदर उत्साह दिख रहा है, हमें बहुत उत्साह है, और टीचर्स भी यहाँ के बड़े सपोर्टिव है। बिल्कुल, सर खुद कर रहे हैं, सर खुद कर रहे हैं, सर भी एंजॉय ले रहे हैं ना। बिल्कुल, हर एक्टिविटी हर कैटेगरी के, मान लो एक यंग टीचर है या कोई एज टीचर है, सभी ने की है, तो मतलब ऐसा कोई है नहीं जो नहीं कर रहा है साथ में, सब उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं कि हमें 40 साल में मौका नहीं मिला, 35 में नहीं मिला, किसको 25 में। क्या नाम आपकी इस कंपनी का? ड्रीम लाइट एडवेंचर। ड्रीम लैड एडवेंचर जो ये कंपनी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है हमारे इस जींद हलके को, बैकवर्ड एरिया बोला जाता है। ये क्या है मैम? ये जॉर्बिंग बॉल है। जॉर्बिंग बॉल, हाँ जी, इसमें 10 से 12 बच्चे हम डालते हैं और उसको रोल करते हुए ऐसे जाते हैं। इसके अंदर बच्चे होंगे? हाँ जी, इसके अंदर जी, ये पूरा भरा हुआ था थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट इसको क्लोज किया है, अभी क्लोज किया, सभी बच्चों की एक्टिविटी हो गई थी और इसकी हवा निकलने में टाइम लगता है, अब ये 2-3 घंटे रिलैक्स पे अभी। हाँ जी, अभी जैसे डाउन होगी तो इसको हम पैक करेंगे, क्योंकि हमने सामान भी जब ये होता है, हवा होती है इसके अंदर, इसको भरा जाता है, बच्चे होते हैं इसके अंदर, उनको रोल किया जाता है। हाँ जी, ये इसकी हाइट अप्रोक्स 8 फुट है। 8 फुट जी, 8 फुट इसकी जो हाइट होगी लगभग। इसका लाइफ के अंदर क्या है जो फायदा है? कई बार बच्चों को, जैसे आपको पता है, जब वो राउंड में घूमते हैं चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, जब वो इसके अंदर होते हैं ना तो एंजॉय करते हैं, उनको उल्टियां नहीं आती, उनका बार बार करने का मन होता है। लाइफ में हमें इसका क्या एडवांटेज क्या है? कई बार हम ऐसे ट्रैवल करते हैं, जैसे हम हिल्स एरिया में होते हैं, हाँ जी, वहाँ पे गए, वो गोल गोल गाड़ी घूमते हैं, उसको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हुई, इसमें भी तो गोल। अच्छा, इसलिए पहले ही प्रिपेयर कर रहा किया जा रहा है जो बच्चा दिखा रहे हैं कि हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, मतलब है जो हम आपको करवा रहे हैं। मैं आपको एक बार कैंप्स की दिखा देती हूँ, जो बड़ी अच्छी पहल है जो इस कंपनी ने की है भाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और मिनिमम से मिनिमम ही इनका जो प्राइस रेट है। ये कैंपिंग देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे जो शेल्टर आप देख रहे हैं, एक बार बता दीजिएगा इसको आप कहाँ कहाँ तक आप इसको यूज़ करवाते हैं, मनाली या कहीं और? कहीं पे भी आप इनको लगा, इधर आ जाइएगा। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग जैसे कभी कहीं पिकनिक के लिए चले गए, इनको लेके चले जाते हैं, दोपहर को इनको लगाते हैं, अपने बैठ के लंच वंच करके अपने शाम को घर आ जाते हैं, मतलब एक अच्छी फीलिंग होती है। और जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं कहीं पे, हमने मतलब मनाली में किया है या धर्मशाला में किया है या कश्मीर में कहीं एडवेंचर का कैंप किया, तो वहाँ पे तो हम महीने महीने दो दो महीने इन पे ही रहते हैं, ना बारिश आती है, ना पानी आता है, ना इसमें बर्फ जाती है, ना कोई मच्छर जाता है, हर चीज की सेफ्टी जो जो वो होते हैं सांप वगैरह वो तो चले, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं, कुछ फिर हवा कैसे पास होगी इसमें? वेंटिलेशन का, आप देखिए वो, देखिए नेट लगा हुआ अंदर, इनर लेयर आउट लेयर है,
और उसको चिप को हम बंद करते हैं तो आपको हर फैसिलिटीज़ के अंदर मिलेगी वेंटिलेशन के लिए। ठीक। अच्छा मैम, आपने कैंपिंग के लिए इसको बोला कि आप इसको एडवाइज़ करते हो, इस पर आप इन्जॉय कीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर आप एक प्लेस देख लेते हो कि ये है जो सुरक्षित है, क्योंकि कुछ और बड़े जंगली जानवर होते हैं उसका तो खतरा नहीं रहेगा, वो नहीं, एक डिसाइड होता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमें कैंपिंग करवानी है। हमें देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम पहाड़ी एरिया में, हमें पता होता है रिवर के पास अगर कोई नाला है हम उसमें टेंट नहीं लगाएंगे। दो रीज़न रहते हैं, अगर एकदम बारिश आ गई तो उस नाले में पानी जरूर आएगा, दूसरा उसके आसपास जो नदी है उस पर कुछ जंगली जानवर पानी पीने डेफिनेटली आएगा। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़ाई, मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, हर चीज़ की एक एजुकेशन होती है, वो एजुकेशन का हिस्सा होता है, हमें हर चीज़ सिखाई जाती है। आपको हर चीज़ इसकी सिखाई जाती है, इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, हर चीज़ का मतलब प्रॉपर ज्ञान दिया जाता है कि आपको इस ये करने से ये होगा और ये करने से ये नहीं होगा, तो वो चीज़ें मतलब मेंशन रहती हैं। अब एक और मैं लास्ट पूछ लेता हूँ मैम से, कभी ऐसा लाइफ के अंदर हुआ है मिस हैपनिंग की कोई ऐसी इस तरह की? देखो मेरे साथ तो नहीं हुई है, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब लास्ट ईयर भी अवलांच में आ गए थे तो 30+ थे, उसमें हरियाणा के भी 2-3 थे, तो वो अवलांच क्या होता है कि बर्फ़ का बड़ा सा हिस्सा होता है वो किसी कारण से स्लाइड हो जाता है और उसमें जो भी आ जाता है, चाहे इंसान जानवर जंगल जो भी आए, तो उसको ले जाता है और दम घोट के मार देता है। जब तक अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं पहुंची, मान लो रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, तो उसकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।